हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी दोपहर हो गई है, तो दोपहर का खाना बन रहा है। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ सैंजन। तो मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें तेल डाला है। एंड आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। एंड उसमें प्याज, सैंजन प्याज ज़्यादा पड़ता है, मैंने 250 ग्राम सैंजन में काफ़ी ज़्यादा प्याज डाला है। और इसमें अच्छा सा जब कलर आ जाएगा प्याज में, तो उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। बट ये सैंजन की जो सब्ज़ी है वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी बनती है। इवन आई लव इट कि यहाँ पर 150 रुपये किलो, 100 रुपये किलो ऐसे सैंजन मिलती है, और मैं मन नहीं मानता खाने में। यहाँ मैं सब सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। तो मैंने लिया है रेड चिली पाउडर एंड हल्दी, धनिया एंड गरम मसाला थोड़ा सा ज़्यादा लिया नॉर्मल सब्जी से। मसाले थोड़े थोड़े सब ज़्यादा ही लिए हैं, नॉर्मल जो सब्जी होती है उससे ज़्यादा लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मसाले वाली सब्जी बनती है। और इसमें सारे मसाले अच्छे से भून के मैंने टमाटर डाल दिया था, वो क्लिप मिस हो गई है। तो यहाँ पर टमाटर के साथ और मसालों के साथ मैं अच्छे से सारे मसाले भून लूँगी। और मैंने नमक ऐड किया है ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से हमारे गल जाए। और इसको सब्ज़ी को पकने में भी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सैंजन बहुत हार्ड होती है और मैं ऊपर का छिकल उसका छीलती नहीं हूँ, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले लेता है। और कुकर में भी आप चाहो तो बना सकते हो, बट अच्छी नहीं बनती है, बस टाइम सेविंग हो जाएगा, बट वो टेस्ट नहीं आता जो कढ़ाई वाला टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। एंड बस जब दोबारा से रिकॉर्डिंग करो, वॉइस ओवर करो, तो बस ऐसा लगता है दोबारा से फिर खाना है। एंड मेरी फेवरेट, मोस्ट फेवरेट सब्जी में से एक है। मुझे बाकी कोई भी सब्जी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। और यहाँ पर मैंने सैंजन सारी डाल दी हैं, और उसके बाद मैंने पानी ऐड किया है। पानी इसमें कुछ ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पकते पकते वो बिल्कुल एकदम गाढ़ा हो जाएगा एंड ग्रेवी इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। इतना ज़्यादा मैंने पानी डाला है, आप देखोगे और लास्ट में देखोगे पकते पकते वो कितना बचा है। इवन मुझे बीच में पानी और ऐड करना पड़ा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इसमें लगता है पकने में। हाँ, ज़्यादा अगर ताजी सैंजन है एकदम पेड़ की टूटी हुई तो उसमें थोड़ा कम लगता है। और यहाँ मैं बनाने वाली भरे हुआ बैगन, आप लोग सोचोगे भरवा बैगन बहुत बनाती है, तो भरवा बैगन का मतलब भरवा भिंडी, भरवा बैगन, शिमला मिर्च, ये सब चीज़ें मैं इसलिए बना कर रखती हूँ क्योंकि ये कभी भी ड्यूटी जाते हैं तो ऑफ ड्यूटी, ऑन ड्यूटी, मतलब ऑन ड्यूटी जब भी करने आते हैं तो कोई टाइम ये नहीं होता, फिक्स नहीं होता कि हाँ कौन सा टाइम पर जाना है। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसे बना कर रखती हूँ कि अगर अर्जेंट कॉल आए तो बस पैक करो और ले जाओ। तो यहाँ मैंने सारे बैगन बीच से काट करके रख लिए हैं, और यहाँ सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। तो मसालों में धनिया पाउडर, मिर्ची और गरम मसाला थोड़ा ही लिया है, ज़्यादा ज़्यादा मसाले नहीं लेने हैं। और यहाँ पर मैंने लिया अमचूर पाउडर एंड नमक, उनको सबको एकदम बिल्कुल बस थोड़ा सा ऐसा लिया है कि गीला हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना है। और ये देखिए मैंने सारे मसाले ऐसे अंदर भर दिए हैं, और अगर गीला होगा ना तो ये पकाते समय ये सारा मसाला बाहर निकल जाएगा, इसलिए गीला नहीं रखना मसाले को, एकदम बस ऐसा लगना है कि बेंड हो जाए और अंदर भर जाए उसके। यहाँ लिया मैंने तेल, ये हो गया हमारा गरम गरम हो गया, और इसमें फिर से हम डाल देंगे सारे बैगन। ये जो रेसिपीज़ है ना, तो देख कर के ही खाने का मन होता है। एंड ये मेरे देखिए बैगन काफ़ी अच्छे से एक तरफ से सिक गए, मैंने खुद बार बार पलट पलट के कि चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। इस रेसिपी में आपको बैगन मतलब पहले से वो नहीं करने हैं कि हाँ पहले से मैं इनको पका करके रखा है, या फिर उबाल करके रखा है, या फिर मसाले पहले से पका के रख, कुछ नहीं करना होता है। ऐसे ही मसाले भी पकते हैं और ऐसे ही बैगन पकता है, और बहुत टेस्टी लगता है और स्मोकी सा फ्लेवर भी आता है। और ये देखिए हमारा सैंजन, इतनी देर हो गई मेरे बैगन पक गए बट सैंजन अभी तक नहीं पका है, तो इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। और जब तक सैंजन पक रहा है, यहाँ पर मैंने रोटियाँ सेक ली हैं, बैगन ऑलमोस्ट हो गए मेरे सारे तैयार। जब तक हमारी रोटियाँ सेकेंगी बैगन, वो सैंजन पक ही जाएगा। एंड बस मुझे सैंजन बताया, मुझे कोई
जितने दिन हैं मुझे रोज़ कोई सैंजन देता रहा, मैं रोज़ रोज़ खाती रहूँ। मुझे मतलब इतना ज़्यादा पसंद है, मेरे घर में तो पेड़ था, यहाँ मुझे खरीद के खानी पड़ती है। तो कोई ना यार, इधर प्लान था कि मैं 14 को जाऊँगी तो सैंजन लेके आऊँगी कानपुर से, तो सारा प्लान चौपट हो गया। और पिछली बार आई थी तो पापा ने बैग में एक जो पिट्ठू बैग होता है उसमें भर के दी थी कि मैं लेके आई थी यहाँ पर, और मैंने 15 दिन खाए थे। इस बार कुछ नहीं हो पाया, कोई ना कोरोना हट जाए फिर जाऊँगी। ये देखिए पकते पकते सैंजन बिल्कुल मतलब पानी बिल्कुल सूख गया है, और ये हमारी थाली हो गई तैयार, बस भूख लगी है खाना दे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी दोपहर में खाना खा के मैं तो सो गई थी, एंड अभी पता है पुलिस वाले आए और चार लोग पत्ते खेल रहे थे बैठ करके, बूढ़े बूढ़े थे, मतलब 4-7-8 बूढ़े थे, मतलब काफ़ी एजेड लोग थे। उनकी बैंड बज गई आज, पता नहीं इतना गवर्नमेंट बोल रही है घर पे रहो घर पे रहो घर पे रहो, बट पत्ते खेलने के लिए बाहर आ गए, काम नहीं है कुछ। तो अभी फिलहाल मैं खाना बना करके सो गई थी, मैंने अभी बर्तन नहीं क्लीन किए तो बर्तन सारे पड़े हुए, और जनाब भी आ गए हैं, 4:30 बज रहा है, तो जनाब भी आ गए। उसके बाद देखते हैं क्या होता है और क्या करते हैं। आज शाम को कुछ अच्छा बनेगा तो शाम का ब्लॉग अलग से डालूंगी, और ये ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आए। और एक बात और, हाँ ये जो रेसिपी थी ड्रमस्टिक की, एक बार बना करके ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। इसको खाने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है कि ये जो ड्रमस्टिक होती है उसमें मैं मतलब ऊपर की जो लेयर होती है वो हटाई नहीं जाती, तो उसको जब ऐसे फोड़ोगे तो 3 पार्ट हो जाएंगे, तो उसको जस्ट लाइक मैंगो मतलब पीस करके छिक्कल वाला मैंगो अंदर का खाते ना गूदा खाते, वैसे ही उसे भी चूस करके अंदर का पार्ट जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो खाना होता है। लेकिन ट्रस्ट में बहुत टेस्टी बनता है, मतलब जो लोग थोड़ा सा क्या बताऊँ, जो लोग नॉनवेज वगैरह अंडा करी वगैरह खाते हैं उनके लिए शायद वो वैसे ही बनती है, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सारे वैसे ही पड़ते हैं, उसी तरह से आप बना करके देखो बहुत टेस्टी बनती है। मेरे घर में मेरे मायके में तो सब लोग इतनी ज़्यादा पसंद थी, कढ़ाई भर भर के बनती थी, नानी के घर में पेड़ था, मेरी मौसी मम्मी एंड मतलब सब लोग बहुत खाते थे। मेरे ससुराल में तो ऐसे कोई नहीं खाता था, बट मैं जब से आई तब से सबको टेस्ट लग गया, इनको तो इतनी ज़्यादा पसंद है कि पूछो ही मत। तो चलो यहीं से ब्लॉग करते एंड